नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज के लिए आपका करंट अफेयर का वीडियो नंबर 31 है। तो इससे पहले मैं 30 वीडियोस को पोस्ट कर चुका हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो देखिए, पार्ट 31 ये आपका 26 से 27 दिसंबर के बीच का है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को इस तरह से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, करंट अफेयर पार्ट 31। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुदर्शन पटनायक की कौन सी कलाकृति को लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो देखिए, सुदर्शन पटनायक एक प्रसिद्ध रेत चित्रकार हैं, जो रेत में कलाकृतियां बनाते हैं। तो उनकी हाल ही में 24 दिसंबर को बनाई गई सांता क्लॉज की रेत की आकृति को लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, PWL यानी प्रो रेसलिंग लीग, ऐसी लीग जिसमें पहलवानी की एक चैम्पियनशिप होगी। तो PWL में सबसे महंगे पहलवान कौन से बिके हुए हैं। तो देखिए, सुशील कुमार को सबसे अधिक प्राइस मिला है। सुशील कुमार को दिल्ली सुल्तान्स टीम की तरफ से उनको मिला है। देखिए, IPL की तरह ही इनमें भी नीलामी होती है। तो PWL यानी प्रो रेसलिंग लीग में सुशील कुमार सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ये केंद्र सरकार के एक स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं, इन्होंने EHRMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ सुशासन दिवस पर, सुशासन दिवस अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उस टाइम पे उन्होंने इस प्रणाली के ऊपर जो शुभारंभ है वो कहाँ किया, तो नई दिल्ली में उन्होंने ये किया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न है, किसान उदय योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो देखिए, किसान उदय योजना यूपी में शुभारंभ की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है, जो कि विद्युत से संबंधित है, किसान उदय योजना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान उदय योजना कहाँ शुरू हुई। तो उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री ने शुरू की है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नारा भी है कि प्रकाश है तो विकास है, अर्थात विद्युतीकरण पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निर्यात के लिए चैंपियन स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है, अर्थात आयात निर्यात में जो संतुलन है उसमें निर्यात के लिए अधिकतम निर्यात किसने किया है। तो उड़ीसा राज्य को मिला हुआ है निर्यात का चैंपियन स्टेट, ठीक है, केंद्र सरकार ने ये दर्जा दिया है उड़ीसा को। छठवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को उसके एक शहर में लोगो मिला हुआ है। तो देखिए, ये एक लोगो मिला है, ये किसी राज्य को नहीं मिला है, राज्य के एक शहर को मिला है, जो कि बेंगलुरु है। बेंगलुरु को एक अपना एक लोगो बनाने का अधिकार दिया गया है, जिससे कि वहाँ पर पर्यटन या जो भी चीज़ों का विकास किया जा सके, तो उस लोगो को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो ठीक है, छठवें क्वेश्चन का यही मतलब है कि बेंगलुरु भारत का एक पहला शहर ऐसा हो गया है जिसका अपना एक लोगो होगा, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स यानी भोजन से संबंधित एक सिक्योरिटी का जो अधिकार है, या लोगों को पाने का अधिकार हो, तो उस लेवल पर भारत का 74वां स्थान है। और इस श्रेणी में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश को सबसे अंतिम स्थान मिला हुआ है, 89th नंबर आया है, भारत का 74 आया है, और बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड में लास्ट में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का 74वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी बैंकों का NPA कितने रुपए पहुंच चुका है। तो देखिए, सरकारी बैंकों का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है वो 7.34 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें सर्वाधिक SBI का है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो देखिए, NPA होता क्या है। देखिए, NPA वह कर्ज है जो सरकारी बैंकों को चुकाया नहीं गया है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसी राशि है जो डिफॉल्टर्स के द्वारा अभी उसको चुकाया नहीं गया है। तो ऐसी राशि कितनी हो गई है, 7.34 लाख करोड़, ठीक है, इतना मतलब घाटे में चल रही हैं सरकारी बैंकें। तो नौवां क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आठवां आप समझ गए होंगे कि NPA का क्या मतलब है, सरकारी बैंकों का जो NPA है वो कितना कितना पहुंच गया है, मतलब ऐसा रुपया जो अभी चुकाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये आपका है 7.34 लाख करोड़। नौवां क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन का उद्घाटन किसने किया। तो देखो, मेट्रो की मजेंटा लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है,
और ये जो लाइन है वो दक्षिणी दिल्ली से नोएडा तक है, जिसकी लंबाई 12.64 किलोमीटर है। ठीक, तो बस इस चीज़ में, इस पॉइंट में आप बस यही याद रखेंगे कि दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। वो दिल्ली से नोएडा के बीच चलेगी। अंतिम क्वेश्चन आज का है, 10वां प्रश्न है कि पिछले 20 वर्षों में सर्वाधिक, देखिए पिछले 20 वर्षों में विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है, मोदी जी इसका आंसर है। ठीक, पिछले 20 वर्षों में कौन से भारतीय पीएम हैं जो विश्व आर्थिक मंच में भाग लेंगे? तो मोदी जी, क्योंकि 20 साल से पहले ही सन 1997 में HD देवगौड़ा ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, तब से कोई प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है, तो यहाँ पे मोदी आंसर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि 10वां क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 2 दिन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया है, जो कि 10 प्रश्न हैं। अगर आप इनको सही से तैयार कर लेते हैं तो आपका सही से नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और मिलते अगली वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 32 होगी। तब तक के लिए नमस्कार।